Good morning, all of you. Welcome to Roots of Tradition School. My name is Mandakini Singh, class teacher of first. Students, today I will repeat again this chapter, The Ant and the Grasshopper. चीटी और ये टिड्डे की कहानी है. इट इज़ अ नाइस समर आफ्टरनून. बहुत ही सुहाना, आज बहुत सुहाना दोपहर का समय है. अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग. ठंडी हवा चल रही है. द बर्ड आर सिंगिंग ऑन द ट्री. चिड़ियाँ पेड़ों पर गा रही हैं. द सन इज स्माइलिंग इन द स्काई. सूरज आकाश में मुस्कुरा रहा है. अ हैप्पी ग्रास हॉपर इज डांसिंग सिंगिंग प्लेइंग हिज वायलिन. एक हैप्पी ग्रास हॉपर डांस कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है और वायलिन प्ले कर रहा है. अ टाइनी आंट पासिस बाय. और एक छोटी सी चींटी वहाँ से गुजरती है. द आंट इज़ लुकिंग वेरी टायर्ड. चींटी देखने में बहुत थकी हुई लग रही है. द ग्रास हॉपर सेज टू द आंट. ग्रास हॉपर आंट से कहता है, वाई डोंट यू जॉइन मी. तुम मुझे क्यों नहीं ज्वाइन करती हो. लेट्स हैव सम फन टुगेदर. दोनों एक साथ मस्ती करेंगे. वाई डू यू वर्क सो हार्ड. तुम इतना कठिन परिश्रम क्यों करती हो. आई मस्ट स्टोर फूड फॉर द विंटर से द आंट. चीटी ने कहा, मैं अपने लिए सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करती हूँ. आई थिंक यू शुड ऑल्सो स्टोर सम फूड. मेरा विचार है तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए. ओह नो. अरे नहीं. डोंट वरी अबाउट विंटर. सर्दियों की चिंता नहीं है. इट्स स्टिल वेरी फार अवे. ये तो अभी बहुत समय है इसमें. सेज द ग्रासहॉपर. ग्रासहॉपर ने कहा था. द आंट वॉक्स अवे. चींटी वहाँ से चली जाती है. अ फ्यू मंथ्स लेटर. कुछ महीने बाद द विंटर कम्स. सर्दियाँ आती हैं. द ग्रासहॉपर शेवर्स इन कोल. ग्रास हॉपर जो है ठंड से काँप रहा होता है. ही डिंट वर्क इन समर. उसने समर में कोई काम नहीं किया था. नाउ देयर इज स्नो एवरीवेयर. अब चारों तरफ स्नो है, बर्फ है. ही हैज़ नो फायर टू कीप हिम सेल्फ वार्म. और किसी तरह की कोई भी फायर नहीं थी जो कि उसे गर्म रख सके. He has no food to eat. उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था. He cannot even go in search for food. और वह कहीं भी जा नहीं सकता था खाने की खोज में. Because it is so cold outside. क्योंकि बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा ठंड थी. Also nothing is growing on the plants anymore. इसके अलावा पेड़ों पर भी कुछ नहीं उग रहा था. The trees are sleeping in the cold. पेड़ सोए हुए थे ठंड की वजह से. दे आर वेटिंग फॉर द समर. और वो गर्मियों का इंतज़ार कर रहे हैं. राइट देन द आंट पास्ड बाय द ग्रास हॉपर. तभी चीटी वहाँ से ग्रास हॉपर के घर के पास से गुजरती है. द आंट फील्स बैड फॉर द ग्रास हॉपर. ही टेल हिम. चीटी को बहुत बुरा लगता है ग्रास हॉपर के लिए. और वह उससे कहती है, यू डोंट हैव एनी फूड टू ईट. तुम्हारे पास कुछ भी खाने को नहीं है. आई टोल यू वर्क हार्ड इन समर. मैंने गर्मियों में तुम्हें कठिन परिश्रम करने के लिए कहा था. यू डिडंट लिसन टू मी. तुमने मुझे नहीं सुना. मेरी बात नहीं मानी. नाउ नो वन कैन नॉट हेल्प यू. अब कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता. आई हैव वेरी लिटिल फूड फॉर माई सेल्फ. मेरे पास बहुत थोड़ा सा खाना है मेरे लिए. आई एम एफ्रेड यू विल हैव टू गो टू बेड विदाउट सपर. और मुझे बहुत दुख है. मैं बहुत परेशान हूँ इस बात को लेकर कि तुम्हें आज बिना खाना खाए हुए सोना पड़ेगा. एंड द आंट गोज अवे. और चींटी वहाँ से चली जाती है. स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कुछ वर्ड मीनिंग आपको बता चुके हैं, हार्ड वर्ड करा चुके हैं. इसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग करने हैं आज आपको. वो वर्ड मीनिंग है, फर्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा आंसर. आंसर का राइट मीनिंग है सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. आंसर यानी कि जब हमें कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम
छुपी हुई होती है, और जब हम उसको आंसर देते हैं तो वहाँ उसका सॉल्यूशन होता है। इट्स मींस सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। वायलिन, वायलिन एक तरह का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कंधे पर रखकर बजाया जाता है, और उसमें कुछ स्ट्रिंग्स होती हैं जिसको कि एक छड़ी के थ्रू उसको म्यूज़िक निकाला जाता है। तो अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट विथ स्ट्रिंग्स। टायर्ड, टायर्ड माने थका हुआ। फीलिंग दैट यू नीड टू रेस्ट, यानी कि उस स्थिति को हम टायर्ड बोलते हैं जहाँ आपको यह एहसास हो जाता है कि अब आपको रेस्ट की ज़रूरत है। स्टोर यानी कि इकट्ठा करना। टू कीप समथिंग फॉर फ्यूचर यूज़, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना भविष्य के लिए, वही हमारा स्टोर कहलाता है। भविष्य के लिए किसी भी सामान को एकत्रित करना, दैट इज़ कॉल्ड स्टोर। फील्स यानी कि एहसास या महसूस करना। समथिंग दैट यू फील इन योर माइंड एंड बॉडी, अपनी बॉडी से या माइंड से जब हमें ये एहसास होता है तब हमें के जैसे मान लीजिए स्किन है, और जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि वो गर्म है या ठंडी, दैट इज़ कॉल्ड फील्स। सफ़र, सफ़र एक तरह का भोजन करने का समय होता है, जैसे डिनर बोलते हैं, डिनर नाइट में किया जाता है। लास्ट मील ऑफ द डे, इसका राइट वर्ड मीनिंग जो है सफ़र का, लास्ट मील ऑफ द डे है, यानी कि दिन भर में सबसे आखिरी में किया गया खाना भोजन। शेवियर्स, टू शेक स्लाइटली, शेवियर माने कांपना, कप कपाना। तो इसमें जो शेक करना, जैसे कि हम किसी चीज़ को बॉटल में लेकर उसको हिलाते हैं, शेक करते हैं, सेम उसी तरह से स्लाइटली जो है हम शेक करते हैं, यानी कि ठंड से कांपते हैं। ब्रीज, ब्रीज बच्चों एक धीमी धीमी गति में चलने वाली हवा को बोलते हैं, स्लो मूविंग एयर या लाइट विंड। वेरी फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एंड स्लो मूविंग इज कॉल्ड एयर, ब्रीज। स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। तो दीज आर आवर वर्ड मीनिंग्स, और सभी को अपनी वर्ड मीनिंग पेज नंबर, चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम डालकर शुरू करने हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।